अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाह शहजाद, आप मेरे लेक्चरर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10, उसमें हमने आपको बताया था रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जी हाँ, और उधर आपको हमने बताया था कि रिएक्टिविटी क्या होती है। इसके अलावा चंद अहम डेफिनेशंस जो हमने आपसे शेयर की थी कि जो हमारे आज के जो कि प्रीवियस टॉपिक की डिटेल हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं, इस टॉपिक में हमारे हेल्पफुल होगी। हमने आपसे शेयर किया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जी हाँ, अब मेमोराइज कर लेते हैं दिमाग में, ठीक कर दिया हमने। इस तरह हमने आपसे बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फिर हमने आपको एक जनरल प्रोसेस बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो लेक्चर है, जो एक रिमेनिंग जो कड़ी है, उस सीरीज को आज हम जोड़ रहे हैं, और वो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जनरल प्रोसेसिंग से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो कि आप उससे वाकिफ हैं वो है जी रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और डियर स्टूडेंट ये हमारा है लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 5। और आपको याद होगा कि हमने आपसे लास्ट टाइम जनरल प्रोसेस शेयर किया था, जी हाँ, मैं आज वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर, तो क्या होता है कि लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन के साथ एक नया ताल्लुक बना चुका है और लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया। अब हम जरा इन चीज़ों को दोबारा समराइज करते हैं, जो हम आपके सामने जो चार चीज़ें हैं ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता भी है, एक बार दोबारा अगर आपसे हम शेयर कर लेते हैं कि ये जो चीज़ है इसको आप बोलते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो फाइल, जी हाँ, और इसको आप कहते हैं ये सब्सट्रेट है। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, जी हाँ, जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ आगे अटैच हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप। अब आप सोच रहे हैं ये चार चीजें क्या है, जी थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में, हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, मतलब जो पॉजिटिव चीज की तलाश में आप, हमने आपसे शेयर किया, जी हाँ। और सब्सट्रेट क्या होता है, द मॉलिक्यूल या द स्पीशी ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, आप चाहें तो मैं लिख देता हूं द मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक, द मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कॉल्ड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, या सिर्फ आप उसको सब्सट्रेट कहें, जी हाँ। अब प्रोडक्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट जी बन जाएगा आपके पास क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन सारे नए ताल्लुक जोड़ने हैं, जी हाँ। और डियर स्टूडेंट, लीविंग ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप कहते हैं कि वे न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन देन अ ग्रुप लीव, या इन लफ्जों को दोबारा जोड़े द ग्रुप लीव व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप या डियर स्टूडेंट्स, आप इसको एक और नाम भी देते हैं लीविंग ग्रुप के अलावा, आप इसको बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल, जी हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल, जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ, कि जरा आपको आइडिया हो गया कि वो गुड लिविंग ग्रुप कौन से और पुअर लिविंग ग्रुप कौन से, जी हाँ।
speaking groups or poor living group. जी students, तो good living groups कौन से हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट है। जी स्टूडेंट, ये गुड लिविंग ग्रुप है। और ये पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं? ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं। OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और RO नेगेटिव। स्टूडेंट्स, एक और आपने अपने माइंड में एक बात रखनी है, वो ये है कि इनमें ये जो आयोडाइड है ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। जी हाँ, I नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चंद पॉइंट्स दोबारा भी क्लियर हो चुके, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कोशिश की थी आपसे शेयर करने की। तो अब हम जनरल प्रोसेस के बाद मूव कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जी तो बताते हैं जी, आपको स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म बता रहे हैं हम आपको, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे दो तरह की चीजें आपके सामने आती है। जी तो एक को हम कहते हैं SN2 और दूसरे को हम कहते हैं SN1, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलरेशन। टू मतलब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। जी हाँ, और SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर और SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन है तो यूनिमॉलिक्यूलर। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं इनकी डिटेल की तरफ के, SN2 क्या है और SN1 क्या है। जी हाँ, SN2 रिएक्शन स्टूडेंट बहुत इजी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं। आपने जस्ट आपने कंसंट्रेट करना और फोकस रखना है कि हम आपसे क्या चीजें शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर रहे थे SN2 की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि अब आप सोच रहे होंगे कि अल्काइल हैलाइड की कौन सी टाइप है जो कि इधर इन्वॉल्व होगी। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। स्टार्ट करते हैं जी, OH नेगेटिव प्लस H और H CH3 भी है, हम इसको बोलते हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, तो क्या होगा, ये हमला करने जा रहा है। जी हाँ, ये अटैक करने जा रहा है इस कार्बन पर और लीविंग ग्रुप यहां से लीव करने जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे, ये अचानक से मतलब लीविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब अपने आप को तैयार कर रहा है। जैसे ना हमला हुआ तो वो अटैक के बाद कोशिश कर रहा कि मैं जाऊं, क्योंकि हमले के लिए उसको अंदाजा था कि इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का अटैक होगा, तो उस बेचारे को यहां से जाना है, लेकिन अपने आप को तैयार कर रहा है। तो इस मॉलिक्यूल की स्टेट चेंज होगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
उसके बाद लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। और ये O H अब स्टूडेंट्स बताते हैं आपको ये क्यों और कैसे हुआ। पहले हम जल्दी से रिएक्शन लिख लें फिर आपसे शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा जी, ये बन जाएगा CH3OH और प्लस वो बेचारा बी आर नेटिव ब्रोमाइड आयन लीविंग ग्रुप था, ब्रोमीन वो वहां से चला गया। अच्छा अब आपने नोट किया होगा बल्कि सोच भी रही होगी कि जैसे मिथाइल ब्रोमाइड इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी sp3 और स्टूडेंट्स ये चेंज हो गया ये देखें sp2 में जी। तो आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गई मतलब sp3 से sp2 में जब वो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल में चेंज हुआ तो आप बोल सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी चेंज हो गई है। जी हाँ। और एक चीज और आपने नोट की कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और लीविंग ग्रुप को लीव ही करना है मतलब दोनों का रेट बराबर है, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फौरन से आप बोल सकते हैं कि लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो अब हम आपको बताते हैं इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है, बल्कि नेक्स्ट पोर्शन से बढ़ने से पहले एक चीज और आपसे शेयर करें कि यहाँ एक और बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने आई कि अब कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ तो ताल्लुक बना लिया है लेकिन ब्रोमीन के साथ ताल्लुक तोड़ लिया है जी। तो इसको आसान लफ्जों में अगर आपसे हम शेयर करना चाहें तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ तो बॉन्ड बना लिया लेकिन कार्बन ने ये कार्बन जो है ग्रुप के साथ अटैच था ये कार्बन देखे ना बेचारा चला गया ना वो लीविंग ग्रुप चला गया तो कार्बन ने लीविंग ग्रुप के साथ ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करा लिया। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल आप कह सकते हैं जी बॉन्ड मेकिंग हुई है लेकिन एक नया ताल्लुक बन गया। जैसे कि दुनियादारी है इसकी मिसाल लें कि अगर कोई बहुत अमीर कबीर अगर दोस्त मिल जाए पहले तो वो दोस्त नहीं होता कि जो अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दे, बहरहाल अगर कोई मिल जाए बहुत पैसे वाला तो क्या होता है कि अक्सर उस लालच में अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है और एक नया ताल्लुक बनाने की कोशिश करता है। तो सेम यही मामला आपके सामने पेश हो रहा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल अब नया ताल्लुक बन गया, उसने बेचारे ब्रोमीन को छोड़ दिया और वो बेचारा लीविंग ग्रुप था, हमला इतना जबरदस्त हुआ था उसको भी आज नहीं था कि मुझे वाकई छोड़ के जाना पड़ेगा कार्बन का ताल्लुक, तो इसलिए कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं SN2 रिएक्शन के फीचर्स की तरफ कि इसकी थोड़ा आपसी प्रॉपर्टीज हम शेयर कर लें फीचर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली जो अहम बात है वो हमारे सामने क्या आई वो ये है कि नंबर एक ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। जी हाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 जी। नंबर टू अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि इसमें हमारे पास एक नया रिलेशन बना है और वो जो sp3 था टेट्राहेड्रल से वो sp2 में चला गया है। और एक चीज और हम आपसे शेयर करें कि उसमें वो जो न्यूक्लियो जो कार्बन और OH का बॉन्ड बना है हम उसको इन्वर्टेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड क्यों कहा गया है, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल क्योंकि जब हमला हुआ मतलब अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का OH नेगेटिव का कार्बन के ऊपर पिछले पेज पर हमने आपसे शेयर किया तो क्या हुआ कि उसकी फिर शक्ल चेंज हो गई, उसके हाथ sp3 से sp2 में चेंज हुआ, इसलिए हम उसको बोलते हैं ये कौन सा मॉलिक्यूल है इन्वर्टेड मॉलिक्यूल। जी हाँ। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ जो तीसरा इसकी फीचर क्या है वो क्या है, वो ये डे टू डे कि अगर हमने इसका काइनेटिक्स बताना हो रिएक्शन काइनेटिक्स काइनेटिक्स कह लें या रिएक्शन काइनेटिक्स कह लें अगर आपने ये बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, ये आप ठीक सोच रहे हैं कि जिसको हम रिएक्शन का रेट भी कहते हैं
रिएक्शन रेट। तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने दो चीजें थी बड़ी अहम थी, और वो क्या थी कि रिएक्शन का रेट बराबर है, आप कह सकते हैं कि जी तो रेट बराबर है आपके सामने दो अहम चीजें, और वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक तो था न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और डियर स्टूडेंट्स दूसरी सबसे अहम चीज क्या थी, वह है अल्काइल हैलाइड। जी हाँ, अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह रिएक्टिविटी अगर हम बात करें तो इसकी पावर वन, पावर मतलब ये, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टू, इज इक्वल टू टू। तो डिफरेंस इससे आप ये आइडिया हुआ कि जो इस SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो बेस करती है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जी हाँ, तो आखिरी बात आपसे ये शेयर करें जो हमने पहले भी शेयर किया है कि SN2 रिएक्शन की के प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें सबसे प्रोमिनेंट एंड नुमाया उनमें होता है। तो अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट लेक्चर का, वो है SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, SN1 रिएक्शन। जी बड़ा आसान है ये भी, SN1 रिएक्शन। तो जैसे कि आप सोच रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, तो डियर स्टूडेंट्स इधर जरा दो स्टेप में होगा रिएक्शन, सबसे पहले लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और फिर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल कर जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स एक चीज और आपसे शेयर करेंगे, वो ये कि सॉल्वेंट कौन सा यूज करें। जी हाँ, पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, तभी आपको बताते हैं। हाँ, और एक बात और भी आपसे शेयर करते चलें कि जो लास्ट टाइम SN2 था उसमें था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इधर यूज होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी बताया था आपको कि कार्बन से हेलोजन से अटैच है, वो कार्बन डायरेक्टली तीन और कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो याद है डियर स्टूडेंट्स पोलर सॉल्वेंट यूज होगा, और इसके साथ साथ ये रिएक्शन स्लो भी है, और आप पता है कि जो स्लो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो आपको बता देते हैं कि लीविंग ग्रुप लीव कर गया है और ये बन गया है कार्बो कैटायन, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कार्बन पर प्लस आ गया है, बॉन्ड की रिएक्शन हो गई है, और लीविंग ग्रुप के लीव करने की वजह से ये देखेंगे CH3 और प्लस लीविंग ग्रुप चला गया है BR, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लीविंग ग्रुप पहले लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल का टैग बाद में होगा। तो अब हम आपको टैग करके दिखाते हैं न्यूक्लियोफाइल का, लेट्स सपोज वो है OH नेगेटिव प्लस, ये आपके सामने है मुलाहिज़ा फरमाएं CH3 और इस पर कार्बन का परमाणु है प्लस। जी हाँ, और डियर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन फास्ट है जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है, ओवरऑल स्टेप रेट जो स्लो रिएक्शन वाला स्टेप होता है, याद है आपको, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। जी हाँ, तब क्या होगा ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो अब ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, CH3 और OH-. अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इनकी फीचर्स क्या है। जी हाँ, फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। जी हाँ, तो फीचर्स की बात करें इसमें थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं कि फीचर इसमें ये बताएंगे कि लीविंग ग्रुप पहले लीव कर जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल उसका अटैक बाद में होगा, और सबसे अहम बात यह है कि इधर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, और जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और जो सेकंड स्टेप फास्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप डिफरेंट इसकी रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं, और सिर्फ डिपेंड करता है ओनली अल्काइल हैलाइड पर। क्यों? क्योंकि इधर न्यूक्लियोफाइल
सेकंड स्टेप में उसने अटैक किया, इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा या रेट क्या गया वो 1 है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है अल्गोरिथम पर। तो ये स्टूडेंट ये था आज हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में शेयर करेंगे इनकी एग्जांपल्स और मजीद जो टॉपिक्स होंगे वो अल्गोरिथम के आपसे शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।